हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चटाको बाय हर्षा। आज हम बनाने जा रहे हैं लापसी। तो इसके लिए हम पहले एक माइक्रो का बड़ा सा कांच का बाउल लेंगे। उसमें हमने एक कटोरी या जिस नाप से आपको बनाना है वो एक सिमिलर नाप को आप फॉलो करते जाएंगे। तो यहाँ मैंने एक कटोरा पानी डाला है, उसमें अब मैं आधा कटोरा गुड़ डालूंगी और एक टेबलस्पून जितना देसी घी डाला। इन तीनों चीज़ों को हम अभी माइक्रोवेव में गरम करने के लिए रख देंगे, तो पानी भी उबल जाए और गुड़ भी पिघल जाए। तो यहाँ पे मैंने माइक्रोवेव में उसको हाई पावर पे 5 मिनट के लिए बॉईल करने के लिए रख दिया है। और इस दौरान हम एक जो हमने नाप के लिए लिया था कटोरा, वो कटोरा भर के गेहूं का दरदरा पिसा हुआ आटा और उसमें हम 1.5 से 2 टेबलस्पून जितना तेल मिक्स कर देंगे और आटे में मोयन डाल देंगे। तो उसको अच्छे से मिक्स करके हम रख देंगे। अभी ये हमारे आटे में तेल मिक्स हो गया है और हमारा जो माइक्रोवेव में टाइम सेट किया था वो भी ख़त्म हो गया है। तो हम वो बॉल को बाहर निकालेंगे। अभी बॉल ज़्यादा गर्म होगा तो आपको उसको संभाल के बाहर निकालना है और देखना है कि गुड़ पूरी तरह से पिघला है या नहीं। गुड़ पिघल गया है तो हम उसमें जो तेल लगाया हुआ आटा है वो मिला देंगे और उसको मिक्स करके वापस से हमको माइक्रो में रखना है। पर इस बार हमको वो बाउल को कवर करके रखना है ताकि हमारा आटा पक जाए। और मैं इस बार 7 मिनट के लिए रखूँगी कवर करके ताकि हमारा आटा बिल्कुल पक जाए। अभी हमारे 7 मिनट ख़त्म हो गए तो हम बोल को पहले ही कवर निकाल लेंगे और फिर सावधानी पूर्वक बोल को बाहर निकाल के उसको अच्छे से हिला लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो आटा है वो पक गया है बिल्कुल। अब उसको हमको एकदम खिला खिला बनाना है तो इसके लिए हम फिर से 4 मिनट के लिए अभी हम फिर से माइक्रो करेंगे। पर इस बार हमने उसको कवर नहीं किया है ताकि उसका एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर होगा वो निकल जाएगा। और उसको फिर एक बार से अच्छे से हिला के मिक्स कर लेंगे ताकि कहीं पे भी गांठे ना रह जाए। तो आप देख सकते हैं कि हमारी लापसी कितनी अच्छी खिली खिली बनी है। अब इसको हम बन तो गई है पर बंद माइक्रो में स्टैंड बाय मोड पे 2 से 5 मिनट हम छोड़ देंगे। अब उसको हम सर्व करेंगे। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अभी लापसी को सर्व करेंगे हम देसी घी और शक्कर का बुरादा डाल के। आप जितना मीठा पसंद करते हो इस हिसाब से आप शक्कर डाल सकते हो। हमने इसमें गुड़ डाला है तो ज़्यादा शक्कर नहीं पसंद तो आप मत खाओ। उसको हम आलू बैंगन की सब्जी और पापड़ के साथ सर्व कर रहे हैं। थैंक